दोस्तों, ये बहुत बड़ा न्यूज़ जो है पटना से आ रहा है कि जिन्होंने भी NIOS से DLED के लिए फॉर्म भरा था उसमें से जो है 45,000 आवेदकों का जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो है या तो यू डाइस कोड गलत भरा है, अपना कुछ अलग भर दिया है, प्रिंसिपल का जो कुछ अलग भर दिया है, या फिर जो प्रिंसिपल का जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर इस तरह से कुछ भी जो है आधार कार्ड का नंबर, इस तरह से कुछ जो गलत भरा है जिसके कारण कि मिसमैच हो रहा है, जिसके कारण कि 45,000 जो स्टूडेंट्स का जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी जगह से खबर ये भी आ रही है कि यू डाइस कोड जो होता है वो स्कूल का वो कुछ और भर रहे हैं और फिर प्रिंसिपल के लिए जो है उनका जो है कुछ और भर रहे हैं, इस कारण से जो मिसमैच जो हो रहा है यहाँ पे, जिसके कारण कि जो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये देखिए कल का, देखिए ये न्यूज़पेपर है पटना का है, इसमें देखिए क्या लिखा है, चलिए इसमें पढ़ के आपको बताते हैं। देखिए इसमें हेडलाइन दिया गया है 45,000 आवेदनों को नहीं मिली स्वीकृति। फिर देखिए नीचे लिखा है NIOS के पोर्टल पर DLED कोर्स में नामांकन के लिए गुरुवार तक ऑनलाइन आवेदनों की संख्या 1,48,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। इसमें से लगभग 45,000 आवेदकों को विभिन्न कारणों से स्वीकृति नहीं मिला है। तो देखिए 1,48,000 में जो 45,000 का जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि पेमेंट भी सही से नहीं किए हैं, तो जो भी देखिए आपको इस तरह से पेमेंट वेमेंट नहीं किए हैं तो वो अपना जो है सही ढंग से कर लें, या फिर जिन्होंने जो है अभी DLED के लिए रजिस्टर नहीं करवाया है तो प्लीज़ करवा लें, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम ही बचा है। आगे देखिए लिखा है इस संबंध में नोडल पदाधिकारी श्री राम सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। उन्होंने बताया कि प्राचार्य के लॉगिन और यू डाइस कोड में भिन्नता के कारण अधिसंख्या आवेदन स्वीकृति नहीं किए जा सके हैं। कई अभ्यर्थी पूरा शुल्क जमा नहीं कर सके हैं। कुछ शिक्षक विद्यालय प्राचार्य के स्थान पर बिना उनकी अनुमति से साइबर कैफे से आवेदन का सत्यापन कर रहे हैं। तो देखिए बिना प्रिंसिपल का जो है आदेश के बिना ही जो है वो जो है उसका वेरिफिकेशन खुद से ही कर ले रहे हैं, तो उन सब का जो है कहीं ना कहीं जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। और लिखा है यह अनुमति है, इस प्रकार के शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो भी देखिए ऐसा कर रहे हैं उसके साथ जो है कुछ ना कुछ जो है कार्रवाई किया जाएगा। वैसे विद्यालय जिन्हें अगस्त सितंबर 2017 में नया न्यू डाइस कोड संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, देखिए ये बोला जा रहा है कि वैसे स्कूलों पर कार्रवाई किया जाएगा जो कि अगस्त सितंबर 2017 में नया न्यू डाइस कोड संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया था। तो देखिए ये देखिए बहुत बड़ा देखिए न्यूज़ है कि 45,000 स्टूडेंट का जो है रिजेक्ट कर दिया गया है फॉर्म को। अगर देखिए आपने भी ऐसा कुछ किया है तो ना चेक कर सकते हैं क्या आपने भी ऐसा कुछ गलती किया है, या फिर आपने अगर पेमेंट सही ढंग से नहीं किया है तो पेमेंट को सही ढंग से करें। और फिर देखिए ऐसे काम बिल्कुल ना करें कि अगर आप कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जो है झूठ मूठ का किसी स्कूल का यू डाइस कोड लेके और फिर फॉर्म भर दे रहे हैं, तो देखिए आपके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। और देखिए जो प्रिंसिपल वेरिफिकेशन जो है वो प्रिंसिपल वेरिफिकेशन जो है प्रिंसिपल के द्वारा ही किया जाता है, तो उसके लिए आप जो है प्रिंसिपल को बोलें वो खुद जो है वेरिफिकेशन कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ अपडेट लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।